वेलकम टू आवर चैनल फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों के साथ एक बॉडी लोशन की रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। ये अभी बॉडी लोशन अभी तक बहुत ज़्यादा वायरल में है, अभी भी यूट्यूब पे वायरल में है। इसकी मैंने फर्स्ट वीडियो भी चैनल पे आ चुकी है, लेकिन बहुत किन्हीं की बहुत सारी क्वेश्चंस है, बहुत क्वेश्चंस अराइज हुई है, तो मैंने सोचा कि उस पर एक और वीडियो बना दिया जाए, आप लोगों की क्वेश्चन भी जितनी है सारे की क्यूरीज दूर हो जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप मुझे पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब डेफिनेटली कर लीजिएगा फ्रेंड्स, एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ वीडियो को भी जरूर शेयर कीजिएगा। एंड मुझे पहली बार आप देख रहे हो तो डेफिनेटली फ्रेंड्स सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, सो लेट्स गो इनटू द वीडियो। सो फ्रेंड्स, जो आज की प्रोडक्ट है वो है रेगोलेथ की आलमंड एंड विटामिन ई बॉडी लोशन। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको बहुत सारी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मिल जाती है, मीन्स ऑनलाइन मार्केटिंग ऐप में मिल जाती है आपको। लिंक्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, जहां से भी आपको परचेस करनी है सारे से आप ले सकते हो। पैक ऑफ वन, पैक ऑफ टू, पैक ऑफ थ्री भी आपको उसमें मिल जाती है, सारे के लिंक्स मैं दे दूंगी, आप वहां चेकआउट कर लीजिएगा। प्राइसिंग की बात करूं मैं, क्वांटिटी की बात करूं तो अराउंड आपको 200 रुपीज में मिलती है, एंड क्वांटिटी आपको 100 ml मिलती है एक पैक की। ये एक बॉडी लोशन बहुत ज्यादा अच्छी है फ्रेंड्स, और साथ में ये नॉन ग्रीसी है, मैं आपको ग्रीसी बिल्कुल भी नहीं लगी, तुरंत पेनिट्रेट हो जाती है, बहुत ज्यादा लाइट वेट है। आपको पेनिट्रेट करने के साथ साथ मॉइस्चराइजर जो इसकी पावर है बहुत ज्यादा है, बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करेगी आपकी स्किन को। स्किन को मॉइस्चराइज करना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स, और ये एक बॉडी लोशन बहुत अच्छी होती है बॉडी के लिए। आप अगर बॉडी को मॉइस्चराइज नहीं करते हो तो बॉडी में भी एजिंग की प्रॉब्लम होती है, जैसे फेस में होती है सेम प्रोसेस बॉडी में भी होती है फ्रेंड्स। ठीक है, अगर आप बॉडी लोशन डेली बेसिस पे नहीं लगाते हो फ्रेंड्स, तो अभी से ही आप स्टार्ट कर लें। ये जो बॉडी लोशन है आपको सिर्फ बॉडी पे ही लगानी है, फेस पे बिल्कुल भी नहीं लगानी है। बहुत किन्हीं की क्वेश्चंस थी कि ये आपको फेस पे लगानी है कि नहीं लगानी है, तो बिल्कुल भी नहीं, आपको फेस में नहीं लगानी है फ्रेंड्स। ठीक है, इसकी मैं बात करूँ इसमें इंग्रेडिएंट्स क्या क्या मिल जाती है, तो आपको आलमंड के साथ विटामिन ई मिल जाती है, और भी कई टाइप्स की इंग्रेडिएंट्स मिल जाती है। आलमंड एंड विटामिन ई की बात करूं तो आलमंड में भी विटामिन ई पाई जाती है, और भी कई टाइप्स की उसमें पाई जाती है विटामिन, और भी बहुत सारी बेनिफिट्स होती है आलमंड की, जैसे कि आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करती है, टैनिंग की प्रॉब्लम को, एजिंग की प्रॉब्लम को रिड्यूस आउट करती है, मॉइस्चराइज करती है स्किन को। सेम आपको विटामिन ई की भी बेनिफिट्स मिलती है। आलमंड में थोड़ी सी बेनिफिट ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि उसमें और भी कई टाइप्स की आपको बेनिफिट्स इंग्रेडिएंट्स भी मिल जाती है, और विटामिन ई की सिर्फ थोड़ी थोड़ी सी बेनिफिट्स होती है, लेकिन बहुत सारी बेनिफिट्स भी होती है विटामिन की। आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करती है विटामिन ई, बहुत अच्छे से एजिंग पे करेगी फ्रेंड्स, टैनिंग को रिड्यूस करती है, आपकी डार्क सर्कल्स पे भी बहुत अच्छे से यूज में आती है, और भी कई टाइप्स की बेनिफिट्स है विटामिन ई की। यूजेस की मैं बात करूं, एक बॉडी लोशन आपको किस वे में यूज करनी है, तो आप 2 times in a day नहीं तो 1 time in a day डेफिनेटली लगाएं। नहाने के बाद आपको अच्छे से पैड ड्राई कर लेनी है बॉडी अच्छे से, उसके बाद अच्छी क्वांटिटी में लेकर के मॉइस्चराइज करनी है आपकी स्किन को। ठीक है फ्रेंड्स, स्किन को मॉइस्चराइज डेफिनेटली करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, बॉडी हो फेस हो सारे की स्किन को मॉइस्चराइज करें। अगर आपकी जो भी पार्ट्स बॉडी की विजिबल हो रही है, स्किन विजिबल हो रही है, वहां पे सनस्क्रीन डेफिनेटली अप्लाई करें। अगर विजिबल नहीं हो रही है, आप फुल क्लॉथ पहनते हो गर्मी में भी, तो कोई नीड नहीं है सनस्क्रीन की उस टाइम। लेकिन हाँ, अगर आप बाहर जा रहे हो तो नेक एरिया तो डेफिनेटली है, कोई भी आप कपड़ा पहने तो नेक एरिया डेफिनेटली शो होती ही होती है, तो वहां सनस्क्रीन डेफिनेटली अप्लाई करें फ्रेंड्स। जैसे कि मैंने ये सूट पहना है तो यहाँ पे पूरी नेक एरिया दिख रही है, तो यहाँ पे आप डेफिनेटली सनस्क्रीन लगाएं, नहीं तो ये कलर डिफरेंट हो जाएगी और कभी भी मैच नहीं होने वाली है, और उसको छूटने में बहुत टाइम लग जाएगी, मीन्स आपको उसे ठीक करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाती है। स्किन टाइप की मैं बात करूँ कि कौन स्किन टाइप वाले यूज़ कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली सारे स्किन टाइप यूज़ कर सकते हैं, कोई भी स्किन टाइप हो आपको डेफिनेटली प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है फ्रेंड्स, ग्रुप्स की मैं बात करूँ, मिस एज ग्रुप्स की बात करूँ कि एज वाले यूज़ कर सकते हैं, 18 के बिलो भी यूज़ कर सकते हैं, एंड 18 के प्लस भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप 12 प्लस हो तो डेफिनेटली आप ये प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हो। स्किन को बहुत ज़्यादा स्मूथ सॉफ्ट बनाती है, सपल बनाएगी, और साथ में बाउंसी भी स्किन को करती है। स्किन को मॉइस्चराइज करोगे आप फ्रेंड्स इस आलमंड और विटामिन ई के साथ, तो आपकी स्किन एकदम बाउंसी दिखना स्टार्ट हो जाएगी, फर्स्ट यूज में ही आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगी फ्रेंड्स। और गर्मी की आपको डेज आ गई है, तो आप 2 times in a day तो डेफिनेटली बात लेते ही लेते होगे, तो दोनों टाइम आप अच्छे से मॉइस्चराइज करें स्किन को। लास्टली इसकी आप बात कर लूं मैं कि रिजल्ट क्या है, रिजल्ट बहुत अच्छी है फ्रेंड्स, आपको स्किन को डेफिनेटली मॉइस्चराइज करके देती है। लेकिन हाँ, बहुत किन्हीं को ये भी क्वेश्चन है कि ये स्किन वाइटनिंग पे रिजल्ट देती है कि नहीं,
देती है। तो फ्रेंड्स स्किन व्हाइटनिंग पे रिजल्ट्स नहीं देगी, हाँ आपकी टैनिंग को रिड्यूस आउट करती है, एजिंग की प्रॉब्लम पे हेल्पफुल होगी, लेकिन टैनिंग भी आपकी अगर बहुत सालों से टैनिंग है, 5-6 सालों से टैनिंग है, तो वो उस टैनिंग को रिड्यूस नहीं करेगी। आपकी जो डेली बेसिस पे टैनिंग अभी हो गई होगी, मीन्स 10 से 15 दिन वाली, तो वो चीज़ को ही रिड्यूस करती है। ज़्यादा साल पुराने वाली टैनिंग को डेफिनेटली ये रिड्यूस नहीं करेगी फ्रेंड्स। तो ये सब आप अगर देख रहे हो कि बोल रहे हैं कि स्किन लाइटनिंग पे वर्क करती है, तो आप स्किन लाइटनिंग के लिए मत यूज़ कीजिए। बहुत सारी स्किन लाइटनिंग के प्रोडक्ट्स आती है, चैनल पे चेकआउट कर सकते हो मेरे, वहाँ आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी आपकी बॉडी के लिए और फेस के लिए भी। तो चलिए फ्रेंड्स आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं, सब्सक्राइब डेफिनेटली कर लीजिएगा एंड फ्रेंड्स और फैमिली के साथ वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे सेफ स्टे ट्यून, बाय गाइस।